ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। सिंहस्थ 2016 लाइव में मैं रूपाली आप सभी का महाकाल की इस नगरी में स्वागत करती हूँ। यह है पवित्र धरा उज्जैनी, जिसे श्रद्धा, विश्वास और सिद्धियों का गढ़ कहा जाता है। उज्जैन में देवी देवता तो अपने प्रत्यक्ष होने का प्रमाण लिए यहाँ विराजित हैं ही। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे सिद्धवट के बारे में, एक ऐसे वट वृक्ष के बारे में जिसे सिद्धियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं माँ पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से इसे रोपित किया था। दुनिया में ऐसे चार सिद्धवट हैं जिन्हें सिद्धियों के लिए जाना जाता है। शिप्रा के तट पर स्थित ये सिद्धवट भक्तों की अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। कहा जाता है मुगलों ने इस बरगद को कटवा कर यहाँ लोहे की चादरें ठुकवा दी थी, लेकिन उन चादरों को भी तोड़कर बरगद की शाखाएं फिर से निकल आई। बस तभी से ये भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। तो आइए हम जानते हैं उज्जैन सिद्धवट मंदिर के पुजारी श्री सुरेंद्र जी से कि क्या है प्राचीन कथा सिद्धवट के बारे में और क्यों ये सिद्धवट सिद्धियों का केंद्र है। जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे जानदार, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त। महाकाल के बारे में ये कहावत और ये दोहा तो आपने सबने सुना है, मगर यह सिद्धि कैसे प्राप्त हो और किस तरह से इसको सिद्ध किया जा सके कि वो अकाल मृत्यु न मरे और वो मौत पर भी विजय प्राप्त कर ले, इस तरह की सिद्धि कैसे प्राप्त हो, इसके लिए पूरे संसार भर में चार वट वृक्ष प्रकृति ने, कुदरत ने, महाकाल ने, भोलेनाथ ने, आदिनाथ ने दी। उन्हीं में से एक वट वृक्ष जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि माता पार्वती ने उस वट वृक्ष को माँ शिप्रा के तट पर यहाँ लगाया, वहीं पर विराजमान है सिद्धवट भोलेनाथ। आइए विशेष रूप से इस मंदिर के बारे में और इस स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पुजारी जी हमारे पास, सिद्धवट के मुख्य पुजारी जी श्री सुरेंद्र पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे संपूर्ण इस कथा को जानते हैं और फिर इस लॉजिकल पक्ष को जानेंगे कि आखिरकार यहाँ से उस तरह से कैसे वो सिद्धियाँ प्राप्त हुई और कैसे ये शिप्रा का तट इतना महत्वपूर्ण हो गया, और कैसे ये जो वट वृक्ष आप पीछे देख रहे हैं, चार वट वृक्षों में प्रमुख वट वृक्ष कहलाया, कैसे तिल भर महत्व महाकालेश्वर की नगरी का चारों तीर्थों से अलग है, कैसे आगे की और जानकारी हम सुरेंद्र पुजारी जी महाराज से जानते हैं। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंहस्थ 2016 लाइव चैनल, जो हम आपको सिंहस्थ में दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, उसमें हम सिद्धवट भोलेनाथ के बारे में आप क्या जानकारी हमको उपलब्ध कराएंगे, कृपया हमारे दर्शकों। यह वट वृक्ष सिद्धवट है। ऐसे हिंदुस्तान में चार वट है। इलाहाबाद में अक्षय वट है, जहाँ पर भगवान राम और सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था और उस वट वृक्ष ने पिंडदान की साक्षी दी थी, इसलिए इलाहाबाद में उस वट की पूजन होती है। गया जी में बौद्ध वट है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था उसके नीचे। और मथुरा वृंदावन में बंसी वट है, जहाँ पर भगवान ने महाभारत के बाद में गोपियों के साथ महारास रचाया था। और इसी प्रकार उज्जैन अवंतिका में यह सिद्ध वट है। इस वट को माता पार्वती ने यहाँ पर लगाया अपने हाथों से, और देवता और दानवों का जो संघर्ष हुआ, तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए जो शिव के पुत्र को वरदान था कि उस शिव का पुत्र ही उसे मारेगा, तो देवताओं ने, समस्त देवताओं ने यहाँ आकर इंद्र सहित और शंकर के पुत्र कार्तिक को यहाँ पर सेनापति पद पर राज्याभिषेक किया इसी वट के, वट वृक्ष के नीचे। और सेनापति बनाने के बाद में देवताओं और दानवों का संग्राम हुआ और ताड़कासुर राक्षस का वध हुआ, तब से यह वट वृक्ष अनादिकाल से पूजनीय है। यह कल्प वृक्ष है, जैसे चारों कल्प वृक्ष है, इनका क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय हैं चारों कल्प वृक्ष। एक किंवदंती सिद्धि प्राप्त करने की है कि उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य हुए, विक्रमादित्य राजा 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व यहाँ पर हुए, चक्रवर्ती सम्राट थे,
उन्होंने वेताल को वश में करने के लिए इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और सिद्धि प्राप्त की थी, उसको वेताल को वश में करने के लिए सिद्धि प्राप्त की थी। तभी से लोग यहाँ पर मनोकामना करने के लिए आते हैं कि यहाँ से सब प्रकार की मनोकामना की सिद्धि होती है। यहाँ पर बच्चों की संतान कामना के लिए माता बहनें आती हैं, जिनके यहाँ पुत्र नहीं होते हैं वो यहाँ उल्टा स्वस्तिक बनाती है। अन्य कोई भौतिक कामना होती है तो भौतिक सुख सुविधा के लिए लोग ये वट वृक्ष में आप देख रहे हैं धागा बांधते हैं। पितरों की शांति के लिए यहाँ पर जो पिंडदान होता है, भगवान राम ने भी आकर के उज्जैन में भगवान उनके पिता दशरथ के पिंडदान किए। प्रेतशिला तीर्थ हैं यहाँ पर सिद्धवट पर, शक्तिभेद तीर्थ बोलते हैं इसको, और इसलिए पिंडदान का महत्व है। जो अपने पूर्वज चले जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पूरे वर्ष भर में 12 चतुर्दशी अमावस की लगती है, जहाँ पर हजारों लोग प्रति चतुर्दशी को आते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति होती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जो सिद्ध स्थान है इस पर कई मुनि तपस्वियों ने सिद्धियाँ हासिल की हैं, कई यहाँ की ऐसी कथाएँ प्रचलित हैं, आप उनमें से कुछ किसी स्मरण को सुनाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अशोक कलिंग हुए थे और उन्होंने अशोक ने भी यहाँ से धर्म प्रचार के लिए लंका सहित बर्मा थाईलैंड और आदि देशों में जाने के लिए पहले उज्जैन आए। चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक भी, और संघमित्रा यहाँ पर आए और इस वटवृक्ष के यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की और दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए यहाँ से पूजन अर्चन करने के पश्चात वो वापस पूरे एशिया महाद्वीप ही नहीं यूरोप तक गए। तो इस प्रकार की कई कथाएं यहाँ पर प्रचलित है, और इसीलिए यहाँ पर पूरे जैसे नासिक में जो हमारा पिंडदान होता है और जो नागबलि नारायण बलि कर्म होता है, श्राद्ध होता है, वैसा विधान हिंदुस्तान में नासिक के बाद उज्जैन अवंतिका का है। यहाँ भी लोग आते हैं, मैंने आपको जैसा पूर्व में बताया भगवान राम भी दशरथ के पिंडदान करने यहाँ पर आए। तो इस प्रकार के यह तीर्थ नगरी है, और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारिका वती शैव सप्तपुरी मोक्षदायिका, सात पुरियाँ हैं मोक्ष देने वाली, लेकिन उन सप्तपुरियों में फिर भी तिल भर बड़ा महत्व उज्जैन अवंतिका का है, जहाँ भगवान साक्षात महाकाल विराजमान है। स्वयंभू भगवान महाकाल होने के कारण इस नगरी का तिल भर ज़्यादा महत्व है सप्तपुरियों से। सिंहस्थ महाकुंभ क्योंकि चार जगह इलाहाबाद नासिक और हरिद्वार और उज्जैन में अमृत कलश जो देवता और दानवों का संघर्ष के बाद में कुंभ लेकर के जब निकले और चार जगह जब अमृत की बूंदें पड़ी तो तभी से सिंहस्थ का महापर्व हिंदुस्तान में चार जगह होता है, लेकिन बाकी की तीनों ही स्थानों पर अर्धकुंभ भी होता है और प्रतिवर्ष माघ मेले के रूप में वहाँ पर अन्य मेलों के रूप में मिनी कुंभ भी होता है, लेकिन पूर्ण महाकुंभ, इसलिए उज्जैन को सिंहस्थ महाकुंभ का नाम दिया गया। किसी भी इलाहाबाद हरिद्वार या नासिक को महाकुंभ नहीं बोलते हैं, उज्जैन के कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए दी जाती है कि केवल 12 वर्ष में ही एक बार कुंभ का मेला लगता है और सारे देश से साधु संत आएंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश विदेश कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं सनातन धर्मावलंबी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस 12 वर्ष में लगने वाले बड़े महाकुंभ में सब लोग अपना धार्मिक रूप से आएं और अपना पुण्य लाभ लेने का आनंद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थे सुरेंद्र पुजारी जी महाराज, जो हमें सिद्धवट भोलेनाथ के बारे में बता रहे थे और सिद्धवट का जो ये वृक्ष है इसके बारे में इसकी महिमा बता रहे थे, और ये भी उन्होंने साथ ही साथ बताया कि हम सिर्फ इंसान ही नहीं, जो हमारे भगवान जिन्हें अवतार स्वरूप हम श्री राम कहते हैं, उन्होंने भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहाँ कर किया, यानी मोक्षदायिनी शिप्रा न सिर्फ इंसानों की बल्कि भगवानों देवताओं दानवों सबके लिए मोक्षदायिनी और अमृतदायिनी शिप्रा है। इसके तट पर सिंहस्थ 2016 का आयोजन हो रहा है और आज हम यहाँ, हमारा सौभाग्य है कि हम सिद्धवट के इस तट पर शांतिपूर्ण वातावरण में हम पंडित सुरेंद्र पुजारी जी से इस जानकारी को ले रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सिंहस्थ में अवश्य पधारें और इसके लॉजिकल पक्ष पर भी हम आगे आपको और डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें यूट्यूब पर सिंहस्थ लाइव उज्जैन 2016। जय श्री महाकाल। संसार में ऐसी सात पुरी हैं जिनमें उज्जैन का महत्व तिल भर ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ स्वयं महाकाल अपने स्वयंभू अवतार में विराजित हैं। तभी तो जो एक बार उज्जैन आता है बस यही का होकर रह जाता है, क्योंकि उसे अपार श्रद्धा, अपार प्रेम और विश्वास का अनुभव यहाँ पर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।